नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा जिले को जिस बात का इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ, मैं कोरोना वायरस को लेकर बात कर रहा हूँ। रीवा जिले में आज काफी अर्से बाद एक भी मरीज नहीं मिले, ये अपने आप में काफी सुखद बात है। 18 जून रीवा जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। रीवा वालों ने जिस तरीके से धैर्य का परिचय दिया, कोरोना वायरस के दौरान सरकार के नियमों का पालन किया, उसका जीता जागता परिणाम है आज रीवा जिले में एक भी मरीज। रीवा जिले की बात की जाए तो अभी तक 16,425 मरीज रीवा जिले में मिले थे, ये आंकड़ा काफी बड़ा। उसके हिसाब से सरकारी आंकड़े में 147 मौतें दर्ज हैं। रीवा के विभिन्न अस्पतालों में 27 मरीज अभी भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। ये अलग बात है, आज 6 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी गए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 18 जून अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो सकता है कि आज शहर में कोरोना वायरस को लेकर एक भी मरीज नहीं पाएंगे। हालांकि बाजारों में अब धीरे धीरे लोगों के चेहरे से मास्क गायब हो रहा है। सरकार तीसरी लहर की बात कर रही है। रीवा जिले के लोगों ने जिस तरीके से धैर्य का परिचय दिया, सरकार के नियमों का पालन किया, अगर आगे भी वो इसी तरीके से सरकार के नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, तो हम इस बीमारी से पूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं।